अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, मंथली रैपअप से पहले मैं आज ज़रा डेली चार्ट आपको ज़रा बता दूं। ये जो हमारा सीपीआर था 41,300 से लेके 41,700, तो इसका जो ये मिडिल बैंड है, मार्केट की क्लोजिंग जो उसी का राउंड हुई है, 41,540 है और 41,532 का जो है मिडिल बैंड था। तो इस तरह से देखें तो अभी इस वक्त जो मार्केट है वो साइडवेज है। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी वही अगेन 45 पर है। ठीक है, कल 42 के अराउंड था, आज 45 है। तो हम जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ से अगर ये 41,300 से ओपनिंग होती है मार्केट की और यहाँ का अगर सपोर्ट लेती है 41,100 से के अराउंड या इसके भी नीचे, तो ये वाला एरिया 40,800। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट साइडवेज हो गई है। अगर हम देखें तो ये क्या, वैसे तो ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। प्रीवियस सेशन में 78 वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इस सेशन में 112 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये है, ये वाली लाइन जो है एक बुलिश इसमें से डाइवर्जेंस हमको नज़र आ रहा है वॉल्यूम पर। तो हो सकता है कि आने वाले सेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, अपसाइड पे हम देख सकते हैं। बट ये वाला जो लेवल जो है 41,700 वाला, ये एक ज़रा क्रूशल लेवल है। हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से अपने आप को रीटेस्ट करके वापस अगेन जो है डाउन साइड पे आ सकता है। हाँ, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 41,700 के ऊपर, तो अगर ये अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है 42,000 के अराउंड, 41,700, 42,000, फिर आप 41,700 में आप जो है यहाँ पे कोई बाइंग कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो जिस तरह मैंने पहले ही बोला कि 41,300 इसके नीचे आप दे सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। अच्छा, स्टॉक जो है जिस तरह मैंने आपको कहा डिविडेंड ओरिएंटेड है, उनमें आप नज़र रखें जिनका आरएसआई बहुत लो है, उनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। अच्छा, मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कुछ स्टॉक मैंने भी पिक किए हैं। अच्छा, मैं आप मंथली जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब मंथली पे देखें, इस वक्त जो है मंथली पे ये एक और बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। ये लास्ट मंथ में जो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद अगेन फिर ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो मंथली पे देखें तो इस वक्त मार्केट जो है बेरिश कैंडल फॉर्म करती हुई नीचे की तरफ ही आ रही है। ये देखें, इसने ये नया लो बनाया था, इसके बाद अगेन ये नया लो बना, इसके पहले ये नया लो बनाया था इसने 41,356 का। अब फिर इसने जो लो बनाया है इस मंथ में 40,055 का। तो अगर हम इसको देखें तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात चल रहे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और जो है इस मंथ में जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है और इन्फ्लेशन का अगर हम देखें तो बहुत हायर साइड पर है, जिस तरह पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं और गैस की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन और मज़ीद बढ़ने का चांस है। तो हो सकता है ये बिटवीन इन्फ्लेशन जो है वो 35 के अराउंड, 32-35 के अराउंड, अगर 35 भी इन्फ्लेशन आता है, 35 भी आता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। और इस दफ़ा जो पीआईबी के जो ऑक्शन हुए हैं वो भी 15% पे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी हद तक जो है 15% इंटरेस्ट रेट होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एलएसएम पे ऑब्वियसली आएगा। और इसमें जो है जो जिनके लॉन्ग टर्म डेट हैं उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर इसमें मार्केट इसका प्रेशर लेगी, तो हो सकता है कि ये एक नया लो जो है वो शायद यहाँ कहीं बनाए, इसके अराउंड 39,700, 39,200, जैसे मैंने 168 है तो 200 एक आप राउंड फिगर में ले लें, ये एक फिगर है। और हो सकता है अगर मार्केट ज़्यादा प्रेशर ले, अगर यहाँ पे
मोमेंटम बहुत तेज होता है, तो हो सकता है 37,180 एक ये सपोर्ट जो है, एक ये लेवल रीटेस्ट कर सकता है इंडेक्स। तो हो सकता है कि यहाँ कहीं एक पॉसिबल बॉटम भी हो, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ये मार्केट यहाँ से जब से ये मंथ बेसिस पे देखें तो ये कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद हमने करेक्शन नहीं देखी। जैसे यहाँ एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो यहाँ पे कहीं एक रिटेस्ट होना था 35,294 के करीब। तो हो सकता है कि शायद ये लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है, इसको भी आप अपने जहन में रखें, ये वाला लेवल 35,200 के अराउंड, ठीक है। तो ये रिटेस्ट हो सकता है, और हो सकता है कि ये 33,000 33,100 ये जैसे पहले भी इसने डबल जो है बॉटम किया था, दो दफा रिटेस्ट किया था, और ये एक तरह से ट्वीजर बॉटम था, तो यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए 35,220 ये वाला जो लेवल है। अभी तक तो चांस यही लग रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। बहरहाल कॉशियस होके काम करें, जो लोअर साइड पर हैं स्टॉक हैं, जो अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड हैं, उनमें आप जो है पोजीशन ले सकते हैं, रैशनली बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है पीपीएल है, पीपीएल का अगर हम देखें तो पी रेशियो 2.76 है, ठीक है। इसकी जो आज इसका जो मार्केट प्राइस है 67 के अराउंड है, इसका लो जो थे वो आई थिंक 64 के अराउंड था, और इसका अगर हम पे आउट रेशियो देखें तो बहुत अच्छा है। देखिए 15% डिविडेंड, फिर 20%, फिर ये मतलब इसी तरह 20% 15%, तो ये इनके डिविडेंड, ये देखें यहाँ पे 60% भी यहाँ पे डिविडेंड दिया है। और इसकी अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इसका है अराउंड 90 रुपीज़ के अराउंड। मैं एक मिनट यहाँ आपको मैं और कंफर्म बता दूँ, इसका ईपीएस इसका ईपीएस यहाँ पे प्राइस अर्निंग आ रहा है, मैं आपको इसका ईपीएस यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला इसका ईपीएस अभी जो है ईयरली ईपीएस है वो ये अर्निंग जो है 19 रुपीज़ 23 पैसा है, बहुत अच्छी अर्निंग है 19 रुपये का, और स्टॉक बहुत चीप प्राइस पे इस वक्त मिल रहा है। अगर हम इसमें टेक्निकली देखें तो देखें ये लोअर बैंड है, या ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यह है ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो आने वाले दिनों में देखें इसने कई दफ़ा यहाँ पे रीटेस्ट किया है, अभी रिसेंटली भी इसने रीटेस्ट किया, हो सकता है ये फिर अभी दोबारा 69, 98 या 70 का राउंड इसको रीटेस्ट करे। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है अच्छे बुलिश कैंडल के साथ तो हमें वेट करना चाहिए, उसकी कंफर्मेशन देखनी चाहिए। अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म नीचे होती है दैट मींस कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था, अदरवाइज इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे देखें इसकी यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी 65 के अराउंड, 65 76 के अराउंड, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। आज भी इसने जो है 65 28 का लो किया था, और क्लोजिंग जो है 67 50 के अराउंड हुई है, और इसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो 61 के अराउंड है इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है, या ये 62 समझ लें आप, 62 के अराउंड ये मैं यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला 62 के अराउंड एक ये बहुत अच्छी सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट एक स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है, इसकी काफ़ी इसमें फरमाइश आ रही है, वो है पेस पाकिस्तान, क्योंकि आज जैसे एजीएल की परफॉर्मेंस देखी तो उस हिसाब से ये पेस पाकिस्तान भी बहुत लोअर साइड पर है। इसका आरआईएसआई देखें तो 46 के अराउंड है, इसमें भी वही अगर हम देखें तो ये अपर साइड है इसका रेजिस्टेंस, इसका जो चैनल है इसमें देखें अपर साइड का ये बैंड है, ये लोअर बैंड है, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है।
अभी देखें ये जरा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ट्रेंड लाइन चली है, 2 रुपये 90 पैसे। यहाँ पे इसने कब कई दफा रीटेस्ट किया है 2 रुपये 90 पैसे के अराउंड। और इसका अगर हम सीपीआर देखें तो सीपीआर इस वक्त जो है उसी के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर हम 2 रुपये 96 पैसे देखें, 2 रुपये 96 पैसे अगर इसके नीचे ही जाके यहाँ परफॉर्म करता है, ये एक सपोर्ट लेवल है इंट्राडे में। जैसे अभी देखें कई दफ़ा इंट्राडे में यहाँ पे इसने सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया है और क्लोजिंग जो है इसकी ऊपर ही आई है, 2 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर इसको इसको ब्रीच करता है इसके नीचे, आप जो है स्टॉप लॉस जो क्लोजिंग इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो उसको आप स्टॉप, और वो इसकी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है कि अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, अगली बुलिश हो जाती है, तो हो सकता है ये फिर ये जिस तरह ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है फॉल्स, तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है, पैनी स्टॉक है ऑब्वियसली, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो इनिशियल टारगेट जो है, अभी तो देखें मूवमेंट यहाँ चल रही है, जब ये स्टॉक 3 रुपये 10 पैसे के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई थी और क्लोजिंग भी यहाँ पे 3.14 पे आई थी, लेकिन देखें इसका हमने यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन देखी कि ये फॉल्स था, 3 रुपये 14 पैसे का जो फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पे, वेरी नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे हमने बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी, फिर अगेन एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो अभी इस वक्त देखें तो ये अपने सीपीआर के ऊपर अभी परफॉर्मेंस नहीं दे सका है, यहाँ अच्छी बुलिश कैंडल के साथ परफॉर्म करता है ये स्टॉक यहाँ पे जाके, तो इसमें हायर साइड पे हम एक ये इनिशियल रेजिस्टेंस 3 रुपये 36 पैसे है, फिर इसके बाद जो है अगला रेजिस्टेंस होगा 3 रुपये 70 पैसे, ये वाला रेजिस्टेंस जो है 3 रुपये 73 पैसे 80 पैसे, ये वाला 76 पैसे के अराउंड। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और भी बना देता हूँ, फिर अगला रेजिस्टेंस जो है हमारा ये 3 रुपये 80 पैसे समझ लें इसके अराउंड, इसके अगर हम बॉडी ले लें तो 3 रुपये 80 पैसे 76 पैसे ये वाला ये रेजिस्टेंस एरिया हमको मिल सकते हैं यहाँ पे 3.73 से लेके 3 रुपये 80 पैसे तक। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।